जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी। आपको पता है कितनी है कुल पद? तो आपको पता है 1374 पद हैं और बहुत ही बेहतरीन जॉब है। तो इसके बारे में हम फुल स्ट्रेटजी आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? और एग्ज़ाम कब तक होगा, कुल कितने फॉर्म भरे गए, सिलेबस कैसे होगा, कहाँ से तैयारी करें और फ्री ऑफ कॉस्ट में कहाँ से पढ़ें, तो हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर कैसे आपको मिल सकते हैं, हर चीज़ हम आपके लिए करने वाले हैं। तो करना क्या है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर दोस्तों अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य जाना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके बारे में। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि इसमें दोस्तों आपके मतलब एग्ज़ाम कब तक होंगे, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम के दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2022 के, तो मैं आपको बता दूं अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, ठीक है? अभी कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है मेरे दोस्तों, मगर मैं आपको बता दूं कि अगस्त तक दोस्तों इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिए जाएंगे। क्या? अगस्त तक दोस्तों इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे आपके प्रॉपर तरीके से, ठीक है? ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए। अभी आपके पास दोस्तों जो समय बचा है उसको आप लगा दीजिएगा एक तरीके से दोस्तों पढ़ाई में। और देखिए, मैं हर एक चीज़ पे आपको बताऊंगा कि कहाँ से आप पढ़ाई करिए, ठीक है, और कैसे आप पढ़ाई करेंगे कि जिससे कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप सीख सकें और ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों को कर सकें, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि दोस्तों यूपीएसआई जो पेपर हुआ था उसकी बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई थी। हालांकि दोस्तों आपको पता है उसमें हुआ क्या है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो देखिए, पहली चीज़ कि पेपर तो आपको बता दें दोस्तों अगस्त तक इसका पेपर होना सुनिश्चित होगा, ठीक है? ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फॉर्म कितने भरे गए हैं, क्योंकि आपको पता है 1374 पोस्ट है दोस्तों, फॉर्म कितने भरे गए हैं। तो अगर फॉर्म की बात करें दोस्तों, कुल फॉर्म लगभग दोस्तों 3.5 लाख के आसपास भरे गए हैं। कितने दोस्तों? 3.5 लाख के आसपास दोस्तों फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कोई दोस्तों भीड़ भाड़ भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि पोस्ट भी ठीक ठाक हैं, ठीक है, पोस्ट भी ठीक ठाक हैं। और देखिए, जो फॉर्म भर देते हैं ज़रूरी नहीं कि वो बच्चे पढ़ने ही वाले हों, ठीक है? आपको पता है कि कंपटीशन तो होता ही है, मगर दोस्तों कंपटीशन कुछ ही बच्चों में होता है और वो बहुत तगड़ा वाला होता है। इसलिए आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी है और बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी करके उन सभी बच्चों से आगे निकलना है, ठीक है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि इसका सिलेबस क्या है, तो पहले देखिए हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, फिर आपको प्रीवियस ईयर कैसे मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए आपको सिलेबस दिखा दें। तो देखिए दोस्त, ये है आपका सिलेबस, ठीक है? क्या है? ये है आपका सिलेबस। और आपको बता दें कि देखिए, सामान्य हिंदी के दोस्तों आपको 100 अंक के होंगे, ठीक है? सामान्य हिंदी 100 अंक के पूछे जाएंगे। और वहीं दोस्तों विज्ञान और सामान्य ज्ञान ये भी 100 अंक का होगा। उसके अलावा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा ये भी 100 अंकों का होगा। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा दोस्तों ये भी आपके 100 अंकों का होगा। यानी दोस्तों 400 अंकों का होगा। कितने? 400 अंकों का। आपको बता दें कि ये सिलेबस देखकर आपको यूपीएसआई की तो याद जरूर आ रही होगी। हाँ बिल्कुल, सिलेबस भी सेम जैसा ही समझ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हर एक टॉपिक से 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? 40-40 क्वेश्चन जैसे आपको पता है यूपीएसआई में हुआ था, वैसे ही दोस्तों आपका इसमें भी पूछे जाएंगे, ठीक है? अब आपको बता दें हिंदी में देखिए क्या क्या है, ठीक है? तो हिंदी में दोस्तों आपको संपूर्ण हिंदी पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो साहित्य का हो चाहे वो ग्रामर का हो, ठीक है? तो आपको मैं हिंदी के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ एक शब्द में, तो भैया आपको हिंदी हमसे अच्छा शायद ही कहीं मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं। आपको करना क्या है, तो आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाइए या फिर सीधा हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको हम दिखा दें। तो साथियों, जैसे हमारे प्लेलिस्ट पर आएंगे ना, आपको ये मिलेगा यूपी पुलिस 2022 संपूर्ण हिंदी। अब देखिए, आप सोचेंगे सर ये तो यूपी पुलिस के लिए नहीं, भैया यूपी पुलिस के लिए नहीं है, ये बेहतरीन ढंग से पुलिस की कोई वैकेंसी हो, आप इससे अगर एसआई का भी पेपर देंगे ना, तो उससे भी क्वेश्चन इससे बाहर शायद ही जाएगा। क्योंकि हमने दोस्तों इसमें जो आपके 2021 में यूपीएसआई और यूपीएएसआई के एग्जाम हुए थे उसके भी प्रीवियस ईयर पेपर हमने क्वेश्चन इसमें शामिल कर रखे थे। ये वाला प्लेलिस्ट आप पढ़ लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों यूपी स्पेशल जरूर पढ़िएगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछा थे उत्तर प्रदेश वाले, तो यूपी स्पेशल की भी क्लास हम आपके लिए चला रहे हैं, ठीक है? तो देखिए ये वाली प्लेलिस्ट, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2022 संपूर्ण हिंदी और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल 2022 वीडियो वन रक्षक पुलिस, ये वाली आप दो प्लेलिस्ट अभी अभी तक दोस्तों पढ़ते जाइएगा, ठीक है?
चलिए आगे बताते हैं। तो साथियों हिंदी की बात हो गई, तो हिंदी में आप ये करिएगा, और आपको बता दें विज्ञान के लिए आप कोई स्पेशल सी एक बुक ले लीजिए, चाहे वो दोस्तों आप किरण की ले लीजिए, या फिर दोस्तों साइंस के लिए, ठीक है, या फिर आप क्या करिए, चाहे युद्ध की ले लीजिएगा, किसी भी प्रकाशन की ले लीजिए, हम कोई किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, जो आपको समझ में आए ठीक, उसके लिए दोस्तों आप विज्ञान पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जिसमें भौतिकी विज्ञान खास करके, उसके अलावा सामान्य विज्ञान के लिए आपको पता है कि हम दोस्तों इसके लिए आपके, देखिए जैसे विमुद्रीकरण पर हमने वीडियो बना रखा, साइबर क्राइम पर हमने बना रखा है ठीक, तो इन पर दोस्तों हम आपके लिए धीरे धीरे एक एक चैप्टर लाते रहेंगे इन सभी चीज़ों पर, ठीक है, और आपको हम सामान्य ज्ञान और जीके, आपको सामान्य ज्ञान होगा दोस्तों ये वाला ठीक, और आपका दोस्तों हिंदी हम ही आपको पूरा करा देंगे, ठीक है, जिसमें तो आपको पता है जैसे हम कभी जीएसटी लेकर आ जाएंगे, जैसे साइबर क्राइम हम पढ़ा चुके हैं ठीक, आप देख भी सकते हैं साइबर क्राइम ज्ञान अर्पण डालिएगा आ जाएगा ठीक, विमुद्रीकरण आपको पढ़ा चुके हैं, इस तरीके से तो हम इनको आपके लिए लेकर आने वाले हैं बहुत ही जल्द ठीक है। उसके अलावा देखिए आप रीजनिंग कहीं से भी पढ़, देखिए आपके लिए मैथ्स है तो मैथ्स दोस्तों कहीं से पढ़ लीजिएगा, देखिए इसमें आपको एडवांस की जरूरत बहुत ही कम पड़ेगी ठीक है, आप मेंसुरेशन देख लीजिएगा, बाकी दोस्तों आप सबसे पहले क्या करिए, अपना बेसिक तैयार करिए, अंकगणित, अंकगणित दोस्तों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ठीक है। उसके अलावा दोस्तों रीजनिंग, रीजनिंग देखिए हाई लेवल की आएगी, रीजनिंग में कोई शक नहीं दोस्तों, बहुत ही अच्छे लेवल की रीजनिंग इसमें पूछी जानी है ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अब आपको क्या करना है, देखिए ये सिलेबस हो गया आपका 40-40 नंबर के, जिसमें से दोस्तों हिंदी और जीके के लिए हमने आपको बता दिया है कि आपको करना क्या है क्या नहीं करना है ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इसके प्रीवियस ईयर पेपर कैसे सॉल्व करें, आप किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, तो आपको बता दें। अगर साथियों आप हमसे पूछें कि सर आप हम क्या करें इस समय, तो मैं आपको एक सुझाव जरूर दूंगा दोस्तों कि आपके जो करंट के UPSI के एग्ज़ाम हुए हैं ठीक, आपको पता है 18 दिन चले थे, एक दिन में 3 शिफ्ट पेपर हुए थे, तो 18 54 टोटल 54 सेट हुए थे UPSI के। आप दोस्तों एक काम करिए, केवल आप केवल और केवल दोस्तों इन प्रैक्टिस सेटों को आप सॉल्व कर लीजिए, जो सॉरी प्रैक्टिस सेट नहीं, ये प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों UPSI के, अभी लेटेस्ट हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे, इनको आप सॉल्व करते रहिए एक एक करके, एक सॉल्व करने में एक को आप 4-5 दिन भी ले सकते हैं दोस्तों, बहुत समय है, मतलब इस तरीके से सॉल्व करिए जिस हिसाब से आपको लगे हैं। अगर आप ये 54 सेट इसके UPSI के और दोस्तों 4 सेट UPASI के अगर सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा आपके लिए ठीक है। मैं दोबारा बता दूं, अगर आप दोस्तों ये दोनों प्रीवियस ईयर पेपर अगर सॉल्व करते हैं, तो आपके लिए दोस्तों इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। मैं दोबारा बता दूं कि आप ये 54 सेट दोस्तों UPSI के और ये 4 सेट UPASI के जरूर सॉल्व करिए दोस्तों, हमारे कहने पर आप एक बार जरूर देखिएगा। आप देखिए एक आपके अंदर होगा कि सर ये मिलेंगे कहाँ से, तो भैया उसका भी हमने इंतजाम कर दिया, देखिए आप पहले इनको सेट करिए, फिर दोस्तों आप कोई प्रैक्टिस सेट लीजिएगा, कोई भी प्रैक्टिस सेट, चाहे युद्ध का ले लीजिए ठीक है, परीक्षा वाणी ले लीजिए, सॉरी आपके घटना चक्र की लीजिए, कोई सी भी ले लीजिएगा, फिर उसके बाद पहले आपको ये करने होंगे दोस्तों, इसमें आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ठीक है। तो देखिए हम आपको बता दें कैसे मिलेगी, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है क्या, ज्ञान RBL ऑफिशियल, इसको आप जब सर्च करें दोस्तों तो आपको ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा ठीक है, ऐसा दिखेगा, देखिए ये दिखेगा इस प्रकार से आपको मिलेगा, और आपको देखिए यहाँ पे जो पिन वाला ऑप्शन से यहाँ पे देखिए पिन करिए, यहाँ पे टच करेंगे तो ये देखिए पिंड UPSI 2021 ऑल सेट्स इस नाम से मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको इस तरीके से दिख जाएगा, इस तरीके से दिख जाएगा ये ठीक है, UPSI 2021 ऑल सेट, तो इस पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड करिएगा, 60 MB की PDF है दोस्तों, इस पर आपको पूरे के पूरे 54 सेट आपके UPSI के मिल जाएंगे, किसके UPSI 2021-22 वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर पूरा, और उसको देखिए आंसर भी टिक लगे हुए मिलेंगे कि हाँ ये आंसर इसका सही है ठीक है। तो सबसे पहले ये करिएगा ठीक है, इसको सॉल्व करिए, उसके अलावा हम UPASI के भी इस पर डाल देंगे, तो इसी चैनल के साथ जुड़ जाइएगा आप, है ना, टेलीग्राम के साथ। और आपको बता दें कि अगर दोस्तों आपको चाहिए हिंदी के लिए और भी चीज़ें, तो आप हमारी ई बुक है उसको भी परचेज कर सकते हैं, आपकी इच्छा अगर करना चाहते हैं तो। जैसे देखिए दोस्तों ये है आपके एग्जाम के लिए UPSI सभी एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रखे हैं दोस्तों, ये है आपकी, इसमें वर्णमाला होगा, विकारी शब्द जिसमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अविकारी शब्द, आपको पता है कि क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक संबंध बोधक विस्मयार्थ बोधक निपात वाक्य लिंग वचन कारक काल वाच्य संधि और रस छंद अलंकार समास रचनाएं सब कुछ दोस्तों इसमें आपको मिल जाएगा, ये मात्र 50 रुपये आपको PDF के रूप में मिल जाएगी, जो आपका ये नंबर दोस्तों इस पर आप गूगल पे फ़ोनपे पेटीएम करके दोस्तों ये PDF हमसे प्राप्त कर सकती है दोस्तों। आपको बता दें कि नीचे हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा करके आप डायरेक्ट पैसे कटा करके वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है। तो आप इतना करिए दोस्तों, ये करिए मत करिए, आप हमसे इस पे जाइए प्लेलिस्ट पर ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, और इस वाले प्लेलिस्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हिंदी आपकी कवर हो जाएगी बिल्कुल अच्छे से, बिना
झंझर के कोई, है ना, और ये आपके यूपी स्पेशल की, इन दोनों का आप ले लीजिएगा। इसके अलावा बता दूं कि आप जाएंगे इसी तरह प्ले लिस्ट पर, तो वहाँ हम UPSI के प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने कुछ सॉल्व कराए उनको भी देख सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ करिए चाहे ना करिए दोस्तों, आपको जो ये हमने बताया है कि प्ले इनको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जो हमने आपको PDF बताई है ना, UPSI के 2021 के सारे सारे सेट आप जरूर डाउनलोड करिए, उनको आप एक बार लगाने की कोशिश करिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू। कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप डाउनलोड करिए PDF को, और अच्छे से अच्छा दोस्तों तैयारी को अंजाम दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।